subscribe tag tv youtube channel and press the notification button welcome viewers you're watching prime time with anis faruki only on tag tv ये शो आप देखते हैं पसंद करते हैं इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नवाजिश और आप शायद इसलिए भी इसको इतना देखते हैं कि हम बात को एक मुख्तलिफ जाविये से भी करते हैं और उसके ऊपर सच की तह लगी होती है और जो बहुत मुश्किल काम है किसी मीडिया हाउस पर बैठ कर सच बात करना लेकिन हम करते हैं बबांग दहल करते हैं और यही वजह है कि आपका और हमारा प्यार जुड़ा रहता है इसी तरह से जुड़े रहिए टैक टी के साथ प्राइम टाइम विद अनी फारूकी के साथ और हमारे जितने भी टॉक शोज़ आते हैं ताकि आप वो हमारे एनालिटिकल व्यूज़ को देख सकें साथ साथ हमें ज्वाइन कीजिए हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें आज का डिफरेंट आ, और टॉपिक्स जैसे आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के, के जमा होते जा रहे हैं एक बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल जमा हो गई कराची के हवाले से बात करेंगे वैसे तो आज हमारे कई मौजूद हैं जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया चाइना सिचुएशन जो डेवलप हुई है वो और आ, उसके अलावा माइक पॉम्पियो का भी कुछ बयान आया है चाइना की तरफ से भी कुछ पेश रफ्ते हैं हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ बातचीत हुई है उस पर बात करेंगे कुछ इकोनॉमी एक, के मसाइल हैं उन पर बात कर लेंगे आ, पाकिस्तान में एक ख़ातून सिंथिया डी रिची है उनकी क्या कहानी है उस पर कुछ आज बात करते हैं देखते हैं यू एस भी आ रहे हैं तो बात लेकिन हम शुरू करेंगे आ, पापा जॉन्स की बात भी जरूर होगी याद रखिए बहुत से लोगों ने कहा पापा जॉन्स क्या है इसका ज़रा उनको बताएंगे आज तााहर असलम गोरा साहब को वेलकम करते हैं सर पापा जॉन्स को भी याद रखिएगा आज बात करनी है हमने बहुत बहुत शुक्रिया सर आ, कराची इस वक्त डूबा हुआ है सर आ, हमारी मीशत भी डूबी हुई है हमारी अख्लाक भी डूबे हुए हैं और हमारे शहर भी डूबे हुए हैं हमारे जो बड़े बड़े जर्नैल और कर्नल और फौज और ब्रिगेडियर इन लोगों ने और सियासतदानों ने मुल्क को बड़ा लूटा लोगों ने जजीरे ख़रीद लिए और मल शहरों को जजीरा बना दिया पानी में डबो दिया ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये एक दो दिन का फसाना नहीं है ये कैसे देखते हैं आप इसके देखिए कराची की सूरत हाल पर मैं गौर कर रहा था कि पहले ये होता था कि अगर कभी इस तरह की सैलाब की सूरत बनती थी तो गरीब गुरबा कच्ची बस्तियों वाले मुतासर होते थे जी 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 अब वो उम्र जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं उनकी करोड़ों रुपए की कोठियाँ पानी की जद में आ गए, उनके, उनके घरों के फर्नीचर बह रहे हैं बर्बादी हो रही है तो मैं ये सोचने लगा कि जिस मुल्क की एलीट करोड़ों रुपए लगा के अपने घरों को तहफ़ नहीं दे सकती तो उस मुल्क की जो आम गरीब आबादी है उसका क्या हाश एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद के सारे जो है वो ठीक है अब अब कराची में सूर्त हाल तो ये है ना सर कि जो करोड़पति भी थे वो अब कच्ची झोंपड़ियों वालों के साथ हाथ मिले बिल्कुल बिल्कुल और इससे ये अंदाज़ा हुआ कि आपके पास पैसे भी हैं किसी भी तरीके से आपने पैसे कमाए हैं हलाल या वट एवर भी तो भी जब रियासतों के निज़ाम अच्छे नहीं होते तो सारे फिर लपेटे में हैं सारे सफ़र होते हैं और उस सफरिंग की जो कहानी है उसमें कराची की पॉलिटिकल एलिट भी कराची आ, की इस्टेब्लिशमेंट भी वो भी अब मुतासरन में है बिल्कुल तो अब इन सब को सोचना होगा कि क्या हमने इस दिन के लिए ये कोठियाँ बनाई थी ये महल आ, उसारे प्रॉब्लम ये है ना कराची की कहानी ये कि वहाँ सोने के महल जो बने हुए हैं जी वो सोने के महल ना नाले के ऊपर बने हुए हैं यानी कि जो नाले की ज़मीन थी वो भी वागजार करा के वो भी कब्ज़ा करके उसको प्लेन करके उसको बेच के उसके ऊपर महल खड़े किए गए थे यानी कि इसमें बलदियात से लेकर और कंटोनमेंट और कंटोनमेंट से लेके प्रोविंशियल और फेडरल सब मिले हुए थे तो इसमें हम किसी एक को ख़ुबार तो ठहरा नहीं सकते आपने जो ड्रेनेज के जो बड़े बड़े सिस्टम होते हैं उनको आपने ब्लॉक किया हुआ है उसके ऊपर अपने घर बनाए हुए मैं डिफेंस में चंद के घर जब जाता हूँ तो आप यकीन करें वहाँ पर लोग नाक पर कपड़ा रख के अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं क्योंकि दे आर सिटिंग ऑन ए नाला सो ये वो ये वो सिचुएशन है जो वहाँ के रहने वाले ही जानते हैं कि वहाँ उनके साथ जुल्म क्या हुआ है वहाँ पे जो जमीनों को बेचा गया एक तो ये कि पहले कहते थे ना गरीबों ने कच्ची बस्ती बना ली नाले के ऊपर पक्का महल बना लिया वो वो भी वो भी कोई बताए ना यही तो हुआ तो और डिफेंस वालों ने बनाया हाँ और यही यही हुआ कि किसी एलिट ने ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन अनीस भाई मैं थोड़ी सी बात को एक डिफरेंट ट्विस्ट देना चाहता हूँ जो अब इस सूरत हाल पर पॉलिटिक्स हो रही है जी अब देखिए इमरान खान कह रहे हैं ओहो हमें तो पता ही नहीं था कि इसका क्या हाल था आहा, आहा। हम तो आ, जानते ही नहीं थे कि किसूरत हाल से हम गुजर रहे थे तो वो कहते हैं कि अब हमें पता चला ठीक कर लेंगे और तो और जो आज शर्मनाक बात हुई मैं मिस्टर कमर बाजवा जो चीफ द आर्मी स्टाफ है उनकी एक ब्रीफिंग में कराची की सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल में बातचीत सुन रहा था जी यानी शॉकिंग है आप कभी कनाडा या अमेरिका में कभी सुनेंगे कि चीफ द आर्मी स्टाफ कोई कोविड नाइनटीन पे बात कर रहा हो कोविड नाइनटीन तो फिर बड़ा बात क्या है कि वो कोई यहाँ सैलाब आ जाए कोई बात कर रहा हमने तो ये भी नहीं देखा कि यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी बोले कि जी आप सबको क्रिसमस मुबारक तो एहतराम तो। से मनाये पूरी तो, को मुबारक हमें तो, नाम तो भी नहीं ये कंवर बाजवा होते कौन है फिर खेती बाजी उनका लेना देना कोई नहीं है वो अपनी हद से बढ़ रहा है वो अपनी यूनिफार्म से बाहर निकल रहे मतलब औकात से बाहर निकलना तो वो तो ये तो बड़ा एक ट्रैजिक ट्र, मोड़ है पाकिस्तान में कि हर चीज़ जो है वो सिपाल करते हैं और सिपाल ही लूटते भी हैं बेल्कुर्ण, ठीक है इस्लाम का किले को बचाते भी वही हैं अंदर से खोखला भी वही करते हैं फिर उसके वो पापा पापाजहाज भी बना लेते हैं सर ये ये जुल्म इसलिए भी है एक और बात भी है कि जो वज़ी अजम की आपने बात की इमरान खान को तो अब पता चला उनको हर चीज़ अभी पता चलती है वो सो के उठते हैं तो बेगम झंझोड़ के उठाती है पति जी उठिए और आज ही हो गया कराची में कहते अच्छा मुझे तो नहीं पता था नहीं। तो बट कैन ओ प्राइम मिनिस्टर यू आर आप तो वो उस खलीफ़ा और उस मदीने की रियासत की बात करते हैं जाके दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी अगर प्यासा हो तो ख़लीफ़ा को पता होना चाहिए इमरान खान कहते हैं और, और जो कि तारीख़ में लिखा हुआ है तो आपको ये नहीं पता कि आपका जो माशी हब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो इकनॉमी है जो आपको सेवेंटी टू परसेंट रेवनीू देता है वहाँ पर यह सूरत आप मजाक कर रहे हैं कॉम के साथ कि मुझे अभी पता चल रहा है सर इज जॉब देखिए वो हाँ, एक नए उभरते हुए खलीफा हैं फनकार हैं तो खलीफा भी मुझे बात याद आई हमारे पंजाब में ये एक्सप्रेशन होता था शायद बाकी सूबों में भी हो पंजाब पाकिस्तान में एक्सप्रेशन होता था स्कूल में जो सबसे नलायक लड़का होता था न उसको कहते थे खलीफा है अच्छा जो तीन तीन चार चार साल कॉलेज फेल हो ही होता था फेल होता था तो वो ये कहते थे, हम, हमारे जब हम गए मेडिकल कॉलेज में तो सेकेंड ईयर में एक साहब थे तो मैंने कहा कि ये तो मैं तो इनको इस कैंपस में कई सालों से देख रहा हूँ खलीफा है अच्छा ये यानी इसी टाइटल मिल जाता है हाँ ये तो ये अगर तो खलीफा पंजाब का ये एक्सप्रेशन है अगर तो अगर तो क्या यकीनी तौर पर इमरान खान ऐसे ही खलीफा है मैं तो उनको सबसे बड़ा खलीफा मानूंगा फिर ही ये है। तो ऑक्सफोर्ड में भी आपको पता है खलीफा ही रहते हैं जिस तो... तरह से पास पूस होकर निकले हैं हाँ, और जो उनकी मतलब... पे थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है बस क्रिकेट 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 खेलते हैं की बुनियाद पर आए थे तो ये अगर ऐसे नाअहल आपके हुक्मरान आपके ऊपर होंगे तो शहरों का यही हाल होगा ऐसे आपके सिपलार होंगे तो आपके शहरों का यही हाल होगा आपके जो हम और आप बाहर रहते हुए हमको तीस तीस साल हो गए हम एक चार लाख का घर अभी तक बैंक को पे नहीं कर पाए आप 400 मिलियन की जो है बेगम उनकी वो मालिक बन गई फ्रेंचाइज गए हाउ इज़ इट पॉसिबल राइट ये तो पॉसिबल नहीं है ना yeah. तो आप लूट लूट के लोगों को खा जाएं और उसके बाद जो है ना उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए चले जाएं कि जी आज हम आए हैं पाकिस्तान का कराची का बड़ा दर्द है हमको बड़ा दिल में दुख होता है तो कुछ करते हैं क्या करेंगे तस्वीर घिचाएँगे चले जाएंगे सो दिस इज़ द बिगेस्ट जोक लेकिन आयरनी इज़ कि वहाँ का हर शख्स डूब चुका है वहाँ की इकोनॉमी डूब चुकी है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डूब चुका है और किसी के कानों पर जो नहीं रहेंगती और मैं आपको मैं बड़ी तलख बात करूँगा लेकिन ये कि करनी चाहिए नहीं मुझे कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर थे जी जी मैं उधर ही आ रहा था वैसे उस पर आप क्या कहेंगे बताइए नहीं मैं बल्कि आपसे हाँ पूछना चाह रहा था कि देखिए अब कराची की बात हो रही है कराची दहाइयों से एम क्यू एम का गढ़ रहा जी अभी भी गढ़ है अगर जो उस गढ़ को कई गढ़ों में डाल दिया गया। डाल दिया गया उसको तब्दील करने की कोशिश की गई मगर वो जो सेंटर गार्ड है वो है और एम के एम के जो बानी और कायद हैं जनाब अलताफ़ हुसैन साहब वो इंग्लैंड में हैं वो जा नहीं सकते उनकी मजबूरियाँ हैं उनके मसाइल हैं वो मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टारगेट है जी अब उनके लोग बैठे हुए मगर एम के एम के जो वहाँ की पाकिस्तान में जो एलीट है वो सारी अल्ताफ़ हुसैन साहब से इस्टबलिशमेंट के कहने पर जुदा हो चुकी हुई बज़ाहिर उनका कंट्रोल है पी टी पी टी आई ने भी फौज की मदद से वहाँ पर अच्छे वोट लिए कोट अंड कोट या उनको वोट ठीक है, है? अच्छा पीपल्स पार्टी बहरहाल एक स्टेक होल्डर जेनवन स्टेक होल्डर बिल्कुल है। है। अगर हम कराची की बात करें तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो मैं हमेशा से पीपल्स पार्टी है। तीन करोड़ है उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर पश्तून भी जी। इनकी बहुत, बहुत बड़ी, बड़ी जाए। जाए। और जाए। से पश्तून तो खैर नहीं है ना वहां पर देखा जाए तो इनका, इनका भी भी देखिए सच्ची बात कि रहा है लेकिन जो है वहाँ पे उनका अख्तियार नहीं रहा है वो इकोनॉमी में उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से वो जो काम किया वो किया और वो करते हैं ट्रांसपोर्ट में किया काम लेकिन जो स्टेक होल्डर होता है वो ये होता है कि जिसके पास चेक होता है चेक बुक होती है या, या। ठीक पावर, है फुल, अच्छा फुल चेक बुक जो है वो दो ही लोगों के पास रही है पीपल्स पार्टी के पास और किसी हद तक एम क्यू एम के पास अच्छा एम क्यू एम ने पीपल्स पार्टी के तो बहुत सारे कसूर हैं लेकिन एम क्यू एम का जो आ, मतलब हम, हमारा जितना भी प्यार मोहब्बत जितना भी हो अफसोस ये होता है कि उन्होंने इसको लावार छोड़ दिया इस तरह से छोड़ दिया कि अभी भी हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही आई हुई है और वहाँ पे जो है वो तारीख़ पे लेक्चर दिए जा रहे हैं अभी मैंने देखा कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है चार लोगों ने मुंह पे मास्क लगा के एंड दैट्स इट मैंने मैसेज छोड़ा आ, जो अभी मौजूदा कन्वीनर है मैंने कहा आए आज हम बात करते हैं इस पर कोई जवाब नहीं ठीक है अच्छा वो अपने एक ऐसे सर्कल में रहते हैं कि जो समझते हैं कि ये एक हमने वीडियो ब्रीफिंग कर ली या एक नेट बेस्ट टी वी चैनल पर हम अपने ही चैनल पर जाके हमने बैंड बजा दी तो लोगों ने सुन ली जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी ने नहीं देखा दे आर नॉट हिटिंग द मेन स्ट्रीम चैनल्स दे आर नॉट हिटिंग हिटिंग द अवेलेबल इंटरनेशनल चैनल्स बिल्कुल तो ये उनका भी फॉल्ट है उनके जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो बज़ाहिर तो इस्टबलिशमेंट के कहने पर अलग हो गए लेकिन हैं तो अभी भी इंटैक्ट अभी भी वो शोर मचा सकते थे एहतजाज कर सकते थे उन्होंने कराची को डूबने दिया उनका बहुत बड़ा फॉल्ट है और सबसे बड़ा फॉल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है अब भुट्टो बिलावल भुट्टो साहब जो कराची को ओन करते थे सईद गनी साहब शैला शैला रज़ा साहिबा और जितने भी कराची आइट हैं वहाँ पे वो उन्होंने भी कोई किरदार अदा नहीं किया सिवाय चैनलों पे बैठ के टॉक शो करने के माजरत के साथ तो मैं समझता हूँ ये सब के सब एटफॉल्ट हैं इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है ये एक दो दिन में नहीं हो जाएगा एक दूसरे पर ब्लेम करने से नहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और प्रेशर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक तो प्रेशर नहीं होगा ना तायर भाई जी मैं और आप भी बोलते रहेंगे ना यहाँ पे कोई नहीं होगा कुछ, कुछ नहीं होगा सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि एक यूनिफाइड uh, एफर्ट हो और सुनने में आ रहा है कि अब शायद कराची में कोई ऐसी यूनिफाइड बॉडी बनाई जाएगी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा जिसको प्राइम मिनिस्टर भी इख्तियार देंगे पैसा भी देंगे क्योंकि होता क्या है पैसा तो देते हैं वो बल्दिया वाले खा जाते हैं पीपल्स पार्टी के वो कुछ इधर से ठेकेदार खा जाते हैं कुछ एम के एम के लोग खा जाते हैं लोगों को नहीं मिलता वसीम अख्तर ने और इनसे पहले इनके पेशरो जितने भी थे उन्होंने बहुत माल बनाया सब कुछ खाया और उसके बाद अब रोते हैं बैठ के ड्रामेबाजियाँ करते हैं तो आई थिंक इट

उनका ऑपरेशन का मैंडेट ये नहीं था कि आप कराची में पानी के हाइड्रेंट के टैंकर बेचेंगे क्योंकि उनको पता चला कि ये तो अरबों का खेल है बिल्कुल उनको उनका मैंडेट ये नहीं था कि वो कुर्बानी की खालें जमा करेंगे अपने मन पसंदीदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिलाएंगे उनका वो जो कराची के वसाइल को खा रहे हैं बैठ के इस वक्त रेंजर्स के नाम पे, फौज के नाम पे, ये सबसे बड़े कोर कमांडर जो हैं सबसे बड़े जो है इसको कहना चाहिए कि ये वो करप्ट लोग हैं ये वो सबसे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस शहर को तबाह किया राइट अब बाजवा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं जी वो कराची 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 यू डोंट इवन नो व्हाट अबाउट कराची इज़ राइट राइट सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे जो मुल्क का अलमिया यही रहा है कि हमने जो सियासतदानों को करप्ट जाहिर करने के चक्कर में फ़ौज ने उनको मुल्क बदर किया अब अगर अल्ताफ हुसैन साहब आज होते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल इतनी ख़राब होती क्योंकि ही नोज़ हाउ टू हैंडल हाउ टू एडमिनिस्टर हाउ टू कंट्रोल अब वो 24 घंटे जाग कर भी उसको मॉनिटर करके इस चीज़ को फिक्स कराते लेकिन नहीं हो पा रहा कि क्योंकि वहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं है जो कि अलताफ़ हुसैन साहब ने पैदा किया था इसी तरह से आप देखें कि मैं आपको बताऊँ आने वाले चंद दिनों में पंजाब का भी यही हाल होने वाला है जो जिस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों ने मिल पंजाब में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया था अब उस पर भी वो वसाइल पर काबू करने वाले जो है ना लोग आना शुरू हो गए और अब जै नवाज़ शरीफ को बेदखल किया नहीं किया ऐसा ही है देखिए दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं एक बात तो अनिस भाई ये है कि आप एक यूनिफाइड बॉडी की बात कीजिए मुझे सच्ची बात यह है कि यहाँ कनेडा में रहते हुए पाकिस्तान के निज़ाम को समझने की वजह से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी यूनिफाइड बॉडी आई वॉश तो कर सकते हैं हाँ वो वहाँ पे काम कर सकेगी उसकी वजह यह है कि कराची का जितना वो अरबन है सारे का सारा वो अभी भी अलताफ़ हुसैैन के साथ एफिलिएट है डायरेक्ट या इन डायरेक्ट मतलब अपनी हमदर्दियाँ भी और इस सूरत हाल उनको साबित किया क्योंकि जब तक अलताफ हुसैन साहब का कंट्रोल रहा चाहे वो मुल्क से बाहर रहते थे तो उनके जो नुमाइंदे होते थे वो कोई बहुत ज़्यादा मैस नहीं किया करते थे उनको ये पता होता था कि भाई इस मामले में सख्त आदमी वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि बाकी पोलिटिकल इशूज तो चलते ही रहते हैं मगर जी, ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि की इतनी हो। बिल्कुल नहीं होती वो एक फोन करते थे कि ये कैसे उनके पास डायरेक्ट शिकायत आती थी वो कर लेते थे लेकिन अब सवाल ही पैदा होते वो भी प्रेशर डेवलप करने में क्यों फेल रहे इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका फोकस कराची क्यों नहीं है वो ओवरऑल मतलब बलोचों की भी बात कर लेते हैं पश्तूनों की भी बात कर लेते हैं सारे जहाँ से अच्छा भी कह देते हैं लेकिन जो आपका अपना शहर है उसमें वो प्रेशर ग्रुप बिल्ड क्यों नहीं कर पाए चाहे वो इंटरनल ही नहीं तो ये भी एक तरह की एक पॉलिटिकल हकमत अमली होती है जो कि सियासतदानों को बड़े ज़ीरे बड़े रहनुमाओं को अडॉप्ट करनी पड़ती है कि अगर मुझे मौका नहीं दिया जा रहा मुझे साइड लाइन कर दिया गया है तो मैं अपने प्रेशर ग्रुप के ज़रिए इस पर काम कर सकूँ वो नहीं हो पाया आई थिंक दैट इज़ वेयर इनको इतना खुली छूट मिल गई लूट मार करने की दीगर लोगों को नहीं वो ठीक कह रहे हैं इस वजह से वो वो आवाज़ अब नहीं जैसे मौजूद नजर आती है हमें वहाँ पर जी चूँकि अगर एम क्यू एम लंडन के ऑफिस की तरफ से ऐसी हमत अमली अपनाई जाती कि इस तरह के क्राइसिस में लोग इनकी तरफ बर रास्त देखते जी अब एक तो लोग देख नहीं रहे दे, दूसरा ये जो मरकजी है इनकी तरफ से कोई स्ट्रेटजी भी नहीं आवाम को दी जा रही कोई इवन हौसला दिलासा भी नहीं दिया जा रहा बिल्कुल बिल्कुल ये ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात मैं तो ये कहता हूं कि कुछ नहीं करते क्योंकि तो 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 उसका मैं एक शे, शेडो प्लान दे देते कि देखें हमने शहर को मैनेज किया है हमें मालूम है फॉरट लाइन कहाँ कहाँ पर है मैं आपको एक मनसूबा दे रहा हूँ मतलब इस पर घंटों घंटों अगर तकरीर करते लेक्चर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि हम तारीख़ और तारीख के और पलटें पलटे और दीगर मौजूद पर जो है वो लेक्चर का सीरीज़ नंबर वन टू थ्री फोर दें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तनकीद करूँ क्योंकि मेरे, मेरे एक मोहब्बत का वास्ता है एक सिलसिला है वो लेकिन तनकीद इसलिए आ... ये ज़रूरी है क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये भाई का इस वक्त जो है ना बहुत इम्पॉटेंट रोल है इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और उनको अपने तमाम जो उनकी रबता कमेटी है जो भी है उनको हिदायत देनी चाहिए थी कि आपका फ़ोकस इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कराची होना चाहिए कराची। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बताएं जहन में डालें कि ये शहर मैनेज कैसे हुआ था ये इतने सालों तक हमने कैसे चलाया था इतना बड़ा सैलाब आज तक क्यों नहीं आया था लेकिन वह नहीं हो रहा और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं अल्ताफ़ भाई तो कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को मरकज़ बना लें अपना इस चीज़ को फोकस बना लें अपना कि कराची शहर इस वक्त डूब रहा है ये आपका शहर है ये मेरा शहर है यहाँ ये हमारी धरती है ये हमारी धरती माँ है इस पर अब आपका फ़ोकस होना चाहिए आने वाले एक हफ़्ते दस दिन तक लगातार ऑन ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या ऑडियो मैसेज के ज़रिए आप एक जाम प्लान दें कि इसको कैसे सही किया जा सकता है मेरा ये ख्याल है कि वो कर सकते हैं हाँ, नहीं नहीं वो डेफ़िनेटली अभी भी इस पोजीशन में हैं वो कर सकते हैं और उनकी बात जब इस वक्त के क्राइसिस पे जब लोग सुनेंगे तो लोग कनेक्ट करेंगे बहुत सारे लोग लोग तो उनके ज़माने से अपने आप को रिलेट करते हैं जी तो लोग कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट करते हैं, लोगों, हैं को, करते लोगों को धोखा इतना दिया गया है ना जो जो मीडिया के जरिए एक मीडिया ट्रायल एम क्यू एम का और अल्ताफ़ हुसैन का किया गया है वो बहुत ज़्यादा इतना किया गया है कि लोगों के जहन में उनके अच्छे काम तो याद ही नहीं रहे उनका वो अच्छा ज़माना भूल ही गए कि वो तो वो तो फॉर ग्रांटेड लिया ना कि हमारे ज़माने में पानी आता था बिजली आती थी हमारे ज़माने को भी ऐसा सैलाब नहीं आता था लेकिन उसके पीछे कितना काम किया इन लोगों ने course. वो बताने की ज़रूरत है और वो उसको आज कैसे फ़िक्स करना है वो बताने की ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ कि आ, हो सकता है हमारी कोई आवाज़ सुन ले छोटी सी आवाज़ है आ, लंदन में कोई सुन ले आ, लेकिन बात मैं करा था नवाज़ शरीफ की जी जी तो इसमें अब आप ये देखें कि जिस तरह से कौमी रहन को जिस तरह से कौमी सियासतदानों को करप्शन के नाम पर मुल्क की पॉलिटिक्स से आइसोलेट कर दिया जाता है ये रवैया जो है आपके मुल्क के लिए सही नहीं है जमहूरी इकदार के लिए सही नहीं है देखिए नवाज शरीफ हों या पाकिस्तान के कोई भी सियासतान आसफ़रदारी हो या कोई भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं बहुत सारे लीडर्स हैं उस सब के सब कोई दूध के दुले हुए नहीं हैं और उन पर मीडिया के जरिए इतना ट्रायल सभी पर रहा और एस्टेब्लिशमेंट का रहा सिर्फ अपने मसाइल छुपाने के लिए अपने पापा जान छुपाने के जी लिए जी। कहा गया कि ये गंदे हैं सियासतदान गंदे पापा गंदे हैं। हैं। दूसरों के पापा हाँ ये 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 गलत है और हम हम बहुत ही कमाल के हैं हम बड़े अच्छे स्त्री शुदा कपड़े पहनने वाले यूनिफॉर्म पहनने वाले के पापा सही नहीं है लेकिन हमारा पापा जॉन सही है वो ठीक है अच्छा ये एक सिचुएशन बनाएगी और ज़ाहिर मीडिया इनके हाथ में है नेगेटिव इनके हाथ में है उसमें काफी हद तक कामयाब हुए अब ये जो अपना बड़ा ही वो सो कॉल्ड ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम लाए हैं खलीफा लाए हाँ, तो आजसे तो मेरे मेरे खलीफा हो खलीफा। खलीफा। मेरे गुरु हैं सर पंजाब वाले खलीफा पंजाब के स्कूलों वाले खलीफा बिल्कुल सर ठीक है अच्छा वो पंजाब के स्कूलों वाले जो खलीफा जी लाए हैं और उनके जो इर्द गिर्द की पूरी टीम है वो बाकी वो फिर बाकी पार्टियों से आई हुई है जी। कोई भी ऑलमोस्ट रेयरली कोई भी नया बंदा है लोटे लोग तो आसमान से नहीं उतरेंगे हाँ, भारत हैं। में भी। भी। दो हो कौन लोग हो भारत में भी बीजेपी की पहली सरकार बनने से पहले मतलब जो मोदी जी की लीडरशिप में बनी ऐसे ही लोग होते थे अभी भी मोदी जी को चैलेंज भारत में ब्यूरोसी में रहता होगा करप्ट लोगों का जी लोग तो वहाँ मौजूद है ठीक है लेकिन उन्होंने काफ़ी सफाया कर दिया उनकी अपनी कोर टीम में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो बड़े क्लियर आदमी हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ तमाम तर नए पाकिस्तान के इंसाफ के नारे दावे करने के, के नारे कुछ कुछ नहीं हुआ तो इस सारी सूरत हाल में अब टारगेट किया जा रहा है नवाज शरीफ को जरदारी को अच्छा नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सबसे बड़े सूबे के एक पॉपुलर लीडर है जी लेकिन बात यह है कि पॉपुलैरिटी के बावजूद हमने देख लिया पंजाब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं गया इस्टिशमेंट के खिलाफ नहीं गया यह भी एक रियालिटी है वोट पड़ेंगे तो नुआश को डाल देंगे हाँ जी वोट पड़ेंगे तो वह नुआश को डाल देंगे हाँ हाँ। लेकिन अगर कोई मूवमेंट की, की बात उठाने की बात आएगी तो वो नहीं उठेगी क्योंकि वो एक ही पेज पे है ना लेकिन वो आप बात करें अवामी सतह की हाँ लेकिन अगर आप गौर करें कि चूंकि नवाज शरीफ आवाम के वोटों से ही भारी अक्सर से होकर आते हैं और उसके बाद वो और उनके वजी खजाना इसाक क्वेश्चन करते हैं डिफेंस स्पेंडिंग पे तो मसला यही यहीं से शुरू हुआ जब तो फाइनेंस तो बजट था उसमें इसाक डार ने क्वेश्चन कर दिया कि ये ये क्वेश्चन है इसका ऑडिट होगा तो वहाँ से इसाक डारद्दार हो गए उनको मुल्क छोड़ना पड़ा वो लंदन में चले गए आ, नवाज शरीफ चूंकि उनके आजम थे उन्होंने कहा कि जो ये कह रहा है सही कह रहा है ये पाकिस्तान के हक़ में है ये बात पाकिस्तान के मफाद में है ये पाकिस्तान के फायदे में है उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हमारे फायदे में नहीं है बाहर निकलो हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़दीक पाकिस्तान का फायदा सिर्फ उनका फायदा उनका फायदा अगर उनका फायदा नहीं है तो सारे का है काफर है बिल्कुल और अगर मतलब वो रियासत भी है ना अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो आप रियासत को बोल रहे होते हैं रियासत ही अगर नहीं। आप पापा बोल रहे मैं कहता हो भगवान भी वही हैं <laughs> अल्लाह अल्लाहियाँ भी वही हैं और अगर आप उन, उनको कुछ बोलेंगे उनकी वर्दी पे आप धब्बा लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने डायरेक्ट अल्लाह अल्लामिया को कुछ बोल दिया और आप जो है वो गुनागार हो गए आप जो है ना आपको बहत्तर में से एक हूर भी नहीं मिलेगी नहीं ये नहीं। मैं बता दूं कंफर्म है हाँ, नहीं नहीं। हूरों की तो दास्तान छोड़ें। आ, वो, तो वो तो सब मतलब... भी बोलती भी उन्हीं के लिए हाँ, सारी, अब मुझे समझ नहीं आता ये हूरों को क्यों लेकर आते हैं बीच में एक तो उन्होंने हमारे लिए आसमान में क्रिएट की बहत्तर जहन में लेकर हम घूमते रहते हैं यार जल्दी से मरे हैं बस जाए बहत्तर लेकिन ये जो सिंथिया रिची के नाम पे एक हमारी वो जो होती है ना गोरी मेंटालिटी ओ, गोरी आ गई गोरी हाँ आ गई गोरी से गोरी से हम बड़ा डरते हैं हाँ जी वो तो वो, अब चक्कर ये हुआ है कि आपने जिक्र करी दिया इंटरेस्टिंगली मैंने शायद आप ही के शो में यहाँ कोई कई महीने पहले कहा था मैंने ये कहा था कि सिंथिया रिची ने रहमान मलिक साहब से जो किया है ना मैस उसको महंगा पड़ेगा बहुत महंगा पड़ेगा चूँकि रहमान मलिक साहब बहुत जहादीदा पॉलिटिशियन और इस्टेब्लिशमेंट चाहे किसी भी जमाने की आए हाँ। वो उसके साथी हैं लेकिन एक और बात इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं एक 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 और बात भी है बड़े प्यारे आदमी है रेमान हाँ, हाँ, नहीं, नहीं नहीं, बड़े नहीं, नहीं मेरे बड़े अच्छे दोस्त आदमी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और बड़ी मेरा उनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक है वो इतने मंझे हुए सियासतदान हैं वो ऐसी ब्लेंडर ऐसी

एस्टैब्लिशमेंट के कुछ रोग एलिमेंट्स के इमा पर किया बिल्कुल किया फ्रैंकली बिल्कुल इसलिए कि वो ISPR के साथ काम करती थी साफ कहती थी जी कि उनका प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो ISPR क्या है जी पाकिस्तान की फौज का भी बिल्कुल। मतलब ادارा है लेकिन पाकिस्तानी फौज के अंदर बहुत सारे ग्रो हैं ऐसा नहीं है कि वो बड़ी कोई यूनिफाइड फोर्स है बिल्कुल बिल्कुल और उस फौज के अंदर अगर रहमान मलिक साहब के हर जमाने में तल्लक हो तो फिर मलिक साहब तो रहमान मलिक ना हो ना रहमान मलिक रहेंगे ना शेख रशीद शेख रशीद रहेगा क्योंकि ये तो बड़े ए, ए, बड़े जहाँदीदा लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके गिर्द घूमती है ये उनके गिर्द है। बिल्कुं, बिल्कुं। ये तो ऐसा एक, ए, एक है। हाँ। हाँ। वो, वो एक के गिरदार खत्म हो गया हाँ, ने रेमान मलिक से पंगा लेके अच्छा नहीं किया एंड शीज डन नहीं और मेरे तो मैं शो किसी ने निकाल दूंगा दो से तीन दफा कहा हुआ क्योंकि मुझे या, ये बात फौरी तौर पर समझ आ गई थी हाँ, कि ये, ये अगर किसी रिटायर्ड फौजी जनरल के खिलाफ भी नवाज नहीं नहीं हाँ, शरीफ के खिलाफ भी स्टेक होल्डर में और वो एक अच्छे कामयाब पॉलिटिशियन की निशानी के साथ मैं किसी दिन निकाल के दो तीन महीने अब मैं एक प्रोग्राम करूंगा रहमान मलिक साहब के साथ रहमान <laughs> मलिक साहब ड्यू हो गए तो मतलब देखिए सिंथिया में ख़ुद तो खैर उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी के साथ ज्यादती करे या ना करे फ्रैंकली शी इज़ ही ठीक है वो अमरीका नहीं मतलब भी नहीं नहीं होगी बिल्कुल, बिल्कुल चले सर वो अपने घर जाएंगे अमरीका में तो हम यहाँ रहते हैं अमरीका में तो हर कोई मतलब घर की मुर्खो वो तो यहाँ यहाँ तो मतलब इस तरह की किरदार

गिला शिकवा या उनके ऊपर मेरी क्रिटिसिज्म भी नहीं है फ्रैंकली मैं आपको बताऊं वो इसलिए कि देखें शी डज नॉट मैटर हाँ वो तो वो तो एक अपनी जिंदगी की कोई एक्सप्लोरेशन के लिए निकली थी कि भाई वहां तो कुछ सुनता नहीं तो वहां गई उन्होंने अमेरिकन अम्बेसी का भी जिक्र किया था जब इल्जाम लगाए थे ना तो अमेरिकन अम्बेसी ने भी कोई ऑन द रैकेट कोई बात नहीं की मेरा ख्याल उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की होगी फिर पाकिस्तान में ये भी एक इंप्रेशन बना कि शायद इनका अमेरिका की इंटेलिजेंस इदारों से कोई वास्ता जिसका मुझे बहुत चांस कम नजर आता नहीं, नहीं। है अच्छा वो एक वास्ता तो साफ था कि आई एस पी आर के प्रोजेक्ट पर काम करती थी जी जी वो तस्दीक आई एस पी आर भी करता था उनको तनखा मिलती थी और वो चले जाते हैं उनको रद्दी की टोक जाना होता है फिर मतलब उनका ये तो पाकिस्तानी फौज चुके सो की किरदार कुशी के लिए कुछ ना कुछ करती है ये मेरा ख्याल है रमान मल्क साहब के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई ये किसी बंदे ने किया ये जाने बगैर के रहमान मलिक साहब पाकिस्तान तो आर्मी या पाकिस्तान इस्टेबलिशमेंट के कितने एक बड़े स्टेक होल्डर हैं खुद बिल्कुल फ्रैंकली बिल्कुण। मैं खेल में वो मिस्टेक हो गई हाँ वो काफ़ी बड़ी बल्कि मैं कहता तो हूँ गलती से मिस्टेक हो गई हाँ। तो इसमें लेकिन मैं ये कहता कि इनको अगर हम चाइना भेज देते तो ये इंडिया और चाइना की लड़ाई भी रुकवा सकती थी ये इंडिया और चाइना के मेरा ख्याल है कि ये कहीं नज़र ही ना आते नज़र ही ना आती। तो क्योंकि चीन को भी इनकी को, चीन के पास ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं लेकिन अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तकरीबन तीन चार के करीब जो है इंडिया ने अटम्प्ट जो हैं उनकी जो है वो डिस्ट्रॉय की हैं इंडिया चाइना की और बड़े जैसे कहते हैं ना लीडिंग एज पे वो उस वक्त खेल रहा है बल्कि फ्रंट फुट पे जाके इंडिया खेल रहा है बहुत तो और मैं ये देख रहा हूँ कि अब चाइना को थोड़ा सा वक़्त डाल दिया इन्होंने चाइना देखिए इस पर बड़ी रफ लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा है चूंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन है चाइना का ख्याल था कि शायद भारत इतना रिएक्ट नहीं करेगा अच्छा लेकिन वो जो ईस्ट लद्दाख का वाक्य हुआ ना करीब दो महीने पहले डेढ़ हाँ। उसके बाद भारत ने डिसीजन लिए कि इनफ इज इनफ बिल्कुल और सबसे जो अजीम डिसीजन था वो था ये एप्स को बंद करने का बिल्कुल चूंकि दुनिया में जो सबसे एक बड़ी, है, बहुत बड़ी है। एक, एक, मतलब सबसे बड़ी जो होती है ना शिकंजा जो सबसे बड़ा शिकंजा हाँ। होता है वो वो आपके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं बिल्कुल है। होता है वो उन्होंने वहां पे उनको टैप किया अमेरिका ने भी उस रस्ते को फॉलो किया बिल्कुल फिर देखिए अमेरिका इंडिया इवन ऑस्ट्रेलिया जापान इनका क्वाड का सिलसिला तो पुराना चल ही रहा था लेकिन रिसेंटली बल्कि आज ही माइक पॉम्पियो ने कहा कि हमारे इलाइज ही उन्होंने वर्ड कहा हमारे हाँ एल इंडिया के साथ जिस तरह की हरकतें चीन कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल कनाडा भी शामिल है आपको पता है हाँ कनाडा भी शामिल उसमें कैनेड़ा कैनेड़ा भी एक भी है क्योंकि सब सब एक पेज पे हम इंडिया के साथ खड़े हैं ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स दूसरा ये मामला है कि ये जो इलेक्शन आ, आ, आ रहे हैं इसमें एफ बी आई और सी आई ए और अमरीका के तमाम इधारे तहकीकत कर रहे हैं कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स कौन कौन से चीन की हकूमत के लिए काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के वहाँ इसलिए उनके वीज़े टाइट किए जा रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है एक कौनसलेट खाना भी उन्होंने यही स्पाइंग नाज पे, पे बंद किया था जिसके गुस्से में चीन ने अमेरिका का कौंसलेट एक अपने शहर में बंद किया लेकिन अमेरिका का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है यूरोप का भी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है इवन चेक रिपब्लिक के एक सैनिटर ने जो काली दौरा किया है वियतनाम का जो चीन को पसंद नहीं आया चीन के वजीर खारजा ने रफ और आ, रोग लैंग्वेज यूज़ की उस पर उनको शटअप कॉल दी, दी। यूरोप के जर्मनी के फॉर मिनिस्टर ने भी शर्टअप कॉल दी लेकिन आप ये कामयाबी देखें दायर भाई जी कि एक गोली चलाए बगैर इंडिया ने किस तरीके से घेर घार के हर हर फ्रंट पे उसको शिकस्त दी है और ये ये होती है डिप्लोमेटिक कामयाबी डिप्लोमेटिक भी है और साथ मसल्स भी हैं मसल्स भी दिखाया देखिए इशू ये है कि साथ ही जब ये आ, मसला ईस्ट लद्दाख का हुआ था साउथ चाइना सी में अमेरिकन इंडियन जापनीज ऑस्ट्रेली ऑस्ट्रेलियन इन सब की ज्वाइंट मशकें शुरू हो गई थी ठीक है चूंकि साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो बंद हो जाए तो चीन कहीं जा नहीं सकता ठीक है तो वहाँ पे इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू हो ओके। दो रोज पहले अमेरिका ने जो एक बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कहा है कि नेटो की तरह का एक एलाइंस जो है क्वाड जो बना बना हुआ हुआ है लेकिन उन्होंने उसको कहा कि उस क्वाड को और उसमें उसमें वियतनाम लो ताइवान लोगा वो जो है चाइनीज ही है सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया सबको शामिल करके ना चाइना की जो जो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है और ये जो एग्रेशन है इसको अब जवाब दिया जाए अब वो नेटो बिल्ड हो रहा है वहां का।, वहां का और वो जो नेटो होगा सिर्फ और सिर्फ चाइना को डील करने के लिए होगा ठीक है ठीक है तो चाइना को सोचना होगा चाइना ने दूसरी तरफ ये कहा कि हम अब न्यूक्लियर अपने जो आर्सन हैं उसमें डबल ट्रिपल इजाफा कर रहे हैं ठीक है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं अच्छा चाइना की अमेरिका के साथ अगर कोई होगी प्रॉब्लम तो रूस शायद चीन के साथ रशिया जो है ना होगा लेकिन इंडिया के साथ जो इश्यूज में रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। चूंकि इंडिया का बहुत सारा जो असला है वो रशिया से खरीदा हुआ है जी जी और उनके पुराने तालुकात हैं नंबर एक असला उनसे खरीदा हुआ है हाँ। दूसरा ताल्लुकात पुराने हैं तीसरा चाइना सॉरी रशिया और इंडिया के कोई

कि भाई ये हमारा एल है ओपनली अगर ना भी वो कहें इंटरनली वो, कह वो इंडिया, तो इंडिया मुझे आज भी किसी ने एक टॉक शो में पूछा कि इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये क्या होगा तो मैंने उन्हें कहा कि होगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का और चाइना का मसला नहीं है इंडिया अमेरिका की किसी वजह से चाइना के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा हुँ। इंडिया अपनी वजह से कर रहा है बिल्कुण, बिल्कुण. और अमेरिकन अगर इंडिया के साथ जा रहे हैं तो वो सिर्फ इंडिया के साथ नए अलाइंस की वजह से नहीं जा रहे वो एक स्ट्रैटेजिक नीड है उनको ये पता है कि चाइना क्या अब गंद कर रहा है वो तो देखें अब इंडिया ने गुजश्ता पांच साल में दस साल में या, 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 जो अमेरिका के साथ ताल्लुक बनाए वो इट्स नॉट ये तो लॉन्ग टर्म विल गो ऑल इन Right, right. जो अमेरिका है वो इस तरह से नहीं जाता कि जी मैंने आधा काम करना है आधा नहीं करना जब पाकिस्तान की तरह होता है ना कि शाबाशी तो देते हैं ऊपर से अंदर से साथ नहीं देते welcome, पैसे welcome. का चेक साइन नहीं करते कि yes. ये चेक मैंने लिख दिया है एक बिलियन का साइन कल कर हुआ ऐसा नहीं करते वो ऑल इन ऑनेस्टली और बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट डीलिंग के साथ जाते हैं तो आई थिंक दैट इज ए गुड डिवेलपमेंट के अब जो जिस तरह से ये मैं बोल रहा था ये ये वो विक्ट्री है सर जी जी जो कि ये एक दो दिन का खेल नहीं है। ये, आ, ये है ये मोदी 1.0 एंड 2.0 की ये सम्रात हैं ये फल मिल रहा है ये फ्रूट्स हैं जो कि आपने देखे अब थोड़ा सा बस ये है कि वो खुद वहाँ की इकानोमी एक एक चैलेंज बन गई है जहाँ इतनी अच्छी बातें हैं राइट राइट बीजेपी की और मोदी साहब की वहाँ पे और अमित शाह साहब की वहाँ पे इकॉनोमी इतनी बड़ी 1.3 बिलियन लोगों की कंट्री के लिए एक चैलेंज है और कोविड आ गया फिर बीच में कोविड से वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं या, या। अच्छा जितना आप कोविड से हिट होते हैं उतना आपकी इकानमी हिट होती है कहाँ तो वो इकानमी जो है ना वो टेक ऑफ कर रही थी कहाँ उसको वापस रन वे पर आना पड़े इसको आप कैसे देखते हैं क्विकली अगर आप मुझे पाँच लड़ा देखिए कोविड से पहले भी जो इकॉनमी का मसला था परसेंटेज जो जी की बताई जा रही थी हर क्वार्टर में भारत में वो नी नीचे जा रही थी ठीक है ये एक वाद कंसर्न था बीजेपी के चाहने वालों का भी मैं खुद मोदी साहब का फ़ैन हूँ ठीक है और बीजेपी की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बेहतर है अगर किसी भी पहली सरकार से देखा जाए लेकिन ये एक कंसर्न था और मुझे समझ नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही क्या आफ्टर ऑल क्या मैं कुछ लोगों से बीजेपी के कुछ लोगों से मैंने टॉप के जो उनके इकॉनमी के मामला में कमेंट्रेटर उनसे रहा भी कर रहा हूँ कि भाई मुझे बताएं मेरे शो में आएं तो अभी मुझे सिग्नल नहीं मिला चूंकि हम जानना चाहते हैं जी जी। आ, इस कोविड ने ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को हिट किया भारत भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ है अब वो इकॉनमी जाहिर है और नीचे जा रही है दूसरी तरह से पॉजिटिव बात ये नजर आ रही है कि चाइना से जो बिजनेसेस निकल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंडिया में जाएंगे धीरे धीरे अच्छा ठीक है उनकी वजह से क्या ये इकोनॉमी अपलेट होगी मैंने कुछ इंडिया में कुछ न्यूट्रल जो इकॉनमिस्ट हैं उनसे बातचीत की उनका कंसर्न अभी भी है वो ये कह रहे हैं वो अभी मेरे साथ टीवी पे आने की आमादगी नहीं विलिंगनेस शो नहीं कर रहे मुझे ऑफ द रेक बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि इकॉनमी कैसे अब संभलेगी ठीक है चैलेंज है ना कि हाँ चूँकि बीजेपी के सारी जो सिक्योरिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो तो मुझे बहुत पसंद आ रही है। हैं इकॉानमी मुझे चूँकि मैं इकॉानमिस्ट कहीं दूर से भी नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत एक जर्नलिस्ट होने के नाते समझते हैं कंसर्न है कि भाई इसको भी अपलिफ्ट होना चाहिए तो मैं मेरा ख्याल है कोशिश करूंगा कि जो इकोनोमिस्ट आने आने दे, तो है काम करने की जरूरत है और हो सकता है इंटरनली मास प्लान बन रहा हो जो कि हमें हमें नहीं मालूम तो घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तो तमाम भारतीयों से कहूँगा आपने घबराना नहीं है पाकिस्तानी आप लोग घबराएं क्योंकि सैलाब आ गए हैं और प्राइम मिनिस्टर सो रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे आपके जो हैं पापा मरियम के उन पे उन पे वो गद्दार हो जाते हैं और आसिम बाजवा के पापा पापा जॉन्स जो हैं वो खुल जाते हैं वो वो भी एक मसला है आपकी बाजी जो है सिंथिया डी रिची डिपोर्ट होने जा रही है तमाम इमरान खान के जितने भी चाहने वाले यूथिया फौज टाइगर फौज जो भी है और ये सबसे अहम मसला कराची 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 इसको बचाना है डूबने से बचाना है हर स्टेक होल्डर से मैं कहूँगा एक मरतबा फिर खुदारा इस पर तवज्जो दें अपना किरदार अदा करें और इस शहर को बचाएँ अनिश फारूकी को इजाजत दीजिएगावे ग्रेट इवनिंग सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन